ग्राम पंचायत हरपुरा मांडिया की महिलाओं द्वारा टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि गांव के दबंगों द्वारा अवैध रूप से उत्तर प्रदेश से शराब लाकर बेची जा रही है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है, जिससे महिलाओं में भय का माहौल व्याप्त है, जिसके चलते आज ग्रामीण महिलाओं ने एकत्रित होकर टीकमगढ़ कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक और आबकारी विभाग से गुहार लगाते हुए चल रहे अवैध शराब के धंधे और जुए के खेल को बंद कराए जाने की मांग की है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई आप? क्या समस्या आ रही है आपके गाँव में? हमारे गाँव में दारू से परेशानी हो रही है। कौन करवाता है ये? बिक रही तीन जगह। तो क्या समस्या आ रही है आपके गाँव में? हमारा कुछ कर रहा है, मकान बेच रहा है, धरती बेच रहा है, जमीन जगह कुछ नहीं बच रही है। सर आप कहाँ से आ रही है? सर आप उत्तर प्रदेश से आ रही और इसे से आ रही है। कुछ नहीं बचे, मारपीट वगैरह होती है? हरपुरा पंचायत की महिला आई है सर, आपको लेकर क्या मामला है? दो तीन जगह महिला परेशान है, बाल बच्चे परेशान है, महिला मना हर तरह से परेशान है। गाँव में मना घर में नाच पानी है, वो अवैध जबरदस्ती मारपीट करे, भैंस बांटते हैं, दारू पीते हैं, तो महिलाओं की मारपीट करते हैं। जुआ वगैरह भी चलता है गाँव में, फसा बाहर के लोग मना सकी हुई है, खेतों का गाँव से आते हैं। शराब कहाँ से आती है? शराब तो बातें आती होंगी, चाहे ठेका वाले देते हो चाहे जो से आती है, या कोई महिला होता है यूपी से शराब आती है? यूपी से आती है। यूपी आपके पास में लगा हुआ है? बिल्कुल लगा, बोटा से है। कौन खाना लगता है? और खाना तो लगता है, टोपी लगती थी जाना खाना खुद क्वालिटी की। सर बताएं, आज जो हरपुरा मड़िया से कुछ महिलाएं आई थी और एक उन्होंने आवेदन भी आपको दिया है, क्या पूरा मामला क्या है? ये हरपुरा मड़िया है चौकी खिरिया के पास, वहाँ पे महिलाओं काफ़ी इकट्ठी होकर आई थी और उनको शिकायत है वहाँ पे कि जो उनके पति हैं या उनके बच्चे हैं गांव में शराब पी के घर के सामान बेच रहे हैं, मतलब दारू शराब को लेकर बिकने और पीने को लेकर काफ़ी उनको समस्या है। उस समय उन्होंने आवेदन दिया हुआ है कि गाँव में शराब को विक्रय से और पीने दोनों से रोका जाए, तो संबंध में बस कार्रवाई करेंगे। क्या समस्त गाँव की महिलाएँ थी या कुछ और भी? नहीं, गांव की लगभग 20 के आसपास महिलाएं रही होंगी जिन्होंने अपनी समस्या बताई कि उनके पति दारू के लिए घर का सामान बेच रहे हैं या घर की जमीन और रजिस्ट्री करा दे रहे हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा है, ये समस्या है। तो मैं समस्या यही है कि शराब पी के वो ज़्यादा घर वालों को परेशान कर रहे हैं, इसके संबंध में हर प्रवण जाएंगे, देखते हैं क्या है कहानी वहाँ की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।